हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम अपना मल्टी चेन को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम एसेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे मल्टी चेन में। तो एसेट बेसिकली हमारा कोई भी तरह की करेंसी है जो कि हम अपने ब्लॉक चेन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास इशू करने का एक्सेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने टर्मिनल में चेक कर लेंगे कि किस किस नोड के पास ये एक्सेस है। तो हम टाइप करेंगे हमारी मल्टी चेन CLI टेस्ट एंड लिस्ट परमिशंस। अगर हम चलाएंगे तो हमको सारे ही परमिशंस दिख जाएंगे, बट हमको इशू करने की परमिशन देखनी है तो हम यहाँ सिर्फ इशू लिखेंगे लिस्ट परमिशंस के बाद। एंटर करेंगे तो हमारे पास एड्रेस आ गया उस नोड का जो जिसके पास नई करेंसी इशू करने का एक्सेस है। तो हम ये एड्रेस को कॉपी करेंगे एंड फिर से मल्टी चेन CLI लिखेंगे। टेस्ट नेटवर्क था हमारा एंड इसके बाद हम अपना एसेट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमको अपना एड्रेस कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट करना होगा यहाँ पे एंड इसके बाद इशू लिखेंगे। अब हमको एक नेम देना होगा हमारे एसेट को, तो हम उसको पेपकॉइन नाम दे देते हैं। एंड इसके बाद हमको कितने एसेट इशू करने हैं एक बार में वो डालेंगे। तो लेट्स से हमने 1000 पेपकॉइंस इशू कर दिए और उसके बाद हमको उसकी सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक पेपकॉइन से लाइक जो मिनिमम वैल्यू हो एक ही रहे तो हम 1 एंटर कर सकते हैं, या फिर मिनिमम वैल्यू 0.01 हो तो वो भी एंटर कर सकते हैं। तो हम 0.01 रखते हैं एंड एंटर करते हैं। तो ये एरर दे रहा है, ओ हमने इसमें एड्रेस पहले लिख दिया, हमको इशू पहले लिखना होता है फिर एड्रेस देना होता है। तो इशू लिखेंगे एंड यहाँ से इशू डिलीट कर देंगे। तो कमांड होगी हमारी मल्टी चेन CLI टेस्ट इशू, फिर एड्रेस जो कि इशू करेगा, एंड देन एसेट का नाम, उसकी कितने एसेट्स हमको जनरेट करने हैं, एंड देन मिनिमम वैल्यू एंटर करेंगे तो हमको हमारा एसेट जनरेट हो गया है। तो इसके बाद बैलेंस देखने के लिए इसमें हमको गेट टोटल बैलेंसेस कमांड यूज़ करना होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कितने हमारे पास टोटल एसेट्स हैं। तो लिखेंगे मल्टी चेन CLI एंड लिस्ट एसेट्स और टेस्ट भी लिखना है कि हमारा ब्लॉकचेन का नाम टेस्ट है। तो अब ये सारे एसेट्स हमको शो करेगा। तो ये हमने उसको नाम दिया था, उसको इशू करने के लिए जो ट्रांजैक्शन आईडी थी वो ये रही, एंड हमारे पास कितने हैं मल्टीपल 100, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.01 है और जो इसकी इशू काउंट है वो 1 है, इशू क्वान्टिटी 1000 क्योंकि हमने इनिशियली 1000 कॉइन्स ही जनरेट किए थे। तो अब हमको ये जो क्रिप्टो हमने बनाई है, ये एसेट बनाए हैं, ये हम अपने दो नोड्स के बीच ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक और कमांड लिखनी होगी जिसे कहेंगे सेंड एसेट। तो सेंड एसेट, उसके पहले हमको लिखना होगा मल्टी चेन CLI एंड देन टेस्ट। तो सेंड एसेट, उसके बाद हमको हमारा जो एसेट है उसका नाम देना होगा और जहाँ पे हमको सेंड करना है उसका एड्रेस देना होगा। तो अभी हमको एसेट का लाइक हमारे सेकंड नोड का एड्रेस कॉपी करना होगा, तो उसके लिए हम मल्टी चेन CLI और लिस्ट परमिशंस कर देते हैं तो सारी परमिशंस दिख जाएंगी। और हमने टेस्ट नहीं लिखा तो लेट्स राइट टेस्ट। यहाँ पे हमारी सारी नोड्स की परमिशन और उसके एड्रेस लिखते हुए दे देगा वो। तो जैसे ये हमारी नोड है, जो हमारी एडमिन नोड है वो तो ये है 16F वाली, तो दूसरा एड्रेस हमारी दूसरी नोड का होगा जिसका एड्रेस 16F से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये रहा हमारा 12GH वाला, तो इसमें हमको हमारे एसेट्स सेंड करने, तो हम ये एड्रेस कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे मल्टी चेन CLI एंड
देन टेस्ट जो हमारा नेटवर्क है, सेंड एसेट हमारा एड्रेस जहाँ पे हमको सेंड करना है, एसेट का नाम जो कि हमने रखा था पेपकॉइन, और फिर कितना हमको एसेट ट्रांसफ़र करना है। तो लेट्स से हम 100 कॉइन्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो अभी हम ये कोड रन करेंगे तो हमको एक एरर आएगा, एंड यस एरर आ गया है बिकॉज जो हमारा वॉलेट है जो सेकंड एड्रेस है उसके पास रिसीव करने की परमिशन नहीं है, तो उसको परमिशन ग्रांट कर देते हैं। तो लिखते हैं ग्रांट कमांड से हम उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, तो मल्टी चेन सी एल आई एंड देन विल राइट टेस्ट ग्रांट, और जो हमारा एड्रेस है उसको क्या ग्रांट करना है, एंड इसको हम लिख देते हैं रिसीव के लिए ताकि रिसीव कर पाए, एंड एरर दे रहा है, हमने रिसीव की स्पेलिंग गलत लिख दी शायद। ओके एंड इसको परमिशन मिल गई है, तो अब हम फिर से सेंड एसेट करेंगे तो उसको 100 कॉइंस चले जाएंगे एंड उसको 100 पेप कॉइन ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो अब हम गेट बैलेंसेस से बैलेंस चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं, तो फिर से लिखेंगे मल्टी चेन सी एल आई, use the above command multi chain CLI test and we'll get total balances, get total balance and we'll hit enter, and as you can see इस account पे हमारे पास अब 900 pep coin ही बचे हैं। तो हमारे second node में हम यही command लिखते हैं get total balances, तो हम देख सकते हैं इस आईडी पे अब 100 पेप कॉइन आ गए हैं। सी इट वाज सो सिंपल टू ट्रांसफर एसेट्स फ्रॉम वन एड्रेस टू अनदर, बस उसका एड्रेस डालो और कितना ट्रांसफ़र करना है ये लिख दो और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बार हम 0.52.8 ट्रांसफ़र करके देखते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड एक बार फिर से बैलेंस देखते हैं एंड सी वी हैव 847.2। एक बार ट्राई करते हैं हमारे पास जितने कॉइन्स उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होता है, तो लेट्स सी यहाँ पे 1000 लिख देते हैं एंड इट शुड गिव अस एन एरर बिकॉज हमारे पास 1000 पेप कॉइन तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि 847 ही है, तो ये एरर देगा। तो हमारे पास एक और कमांड है लिस्ट वॉलेट ट्रांजैक्शंस, जिसको यूज़ करके हम अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन सी ट्रांजैक्शन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, मतलब कितने ट्रांजैक्शन किस ट्रांजैक्शन में कितना करेंसी या एसेट ट्रांसफ़र किया गया था, तो इससे एक लिस्ट आ जाएगी। तो लिस्ट वॉलेट ट्रांजैक्शंस एंड ये रहा, इससे हमारे पास एक लिस्ट आ गई है हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की। तो इनिशियली काफ़ी बड़ी लिस्ट आई है ये। ओके बैलेंसेस, ओके सबसे नीचे आते हैं रीसेंट ट्रांजैक्शन पे, तो ये रही हमारी ट्रांजैक्शन जहाँ पे हमने 52 पेप कॉइन ट्रांसफ़र किए थे, और उसमें एड्रेस हमारा एड्रेस और जहाँ से रिसीव हुआ है उसका एड्रेस भी दे रखा है, और यहाँ पे टाइम भी नोटेड है कि किस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन हुई थी, एंड इसमें ब्लॉक का इंडेक्स भी है, ब्लॉक टाइम भी है, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस कमांड से मिल जाएगी। और ये जो हमने इनिशियली 100 पेप कॉइन का ट्रांसफ़र किया था उसकी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिस्टेड है, तो ऐसे ब्लॉकचेन में हमारे पास पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye-bye.